चलिए आज सेट टू होगा डिस्कशन। जिसे भी इसका पीडीएफ नहीं मिला है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ओपन करेंगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा सेट टू का। ठीक है, इस सेट को क्या करना है आपको, इसका हार्ड कॉपी आपको निकलवा लेना है, और हार्ड कॉपी निकलवाने के बाद फिर आप इस वीडियो को बैठ करके देखिए और एक एक क्वेश्चन आप यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक कॉपी और एक पेन आपके पास रहना ही चाहिए, फिर आप वीडियो देखिए तो फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए आज स्टार्ट करते हैं सेट टू। सेट टू में एक से लेकर के पाँच तक देखिए दिया हुआ है आपका सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग सीरीज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पाँच का पाँचों क्वेश्चन हम लोग एक साथ ही डिस्कशन कराएंगे। इसमें बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, अगर आपके पास उपलब्ध है पहले से ही पीडीएफ तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा एक से लेकर के जो पाँच तक है इस पाँचों को मैं एक साथ आपको करवाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ 2, 4, 10, 22, 42 और फिर व्हाट नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 8, 4, 6, 15 और फिर यहाँ पर 236.225। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 15, 34, 72, 148 फिर वाट और 604। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ हमारा 25, 30, 20, 40 फिर यहाँ पे वाट है और 80। और सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा पाँचवा नंबर का दिया हुआ है 15, 8, 9, 15, 32 और फिर वाट। ये जो पीडीएफ है ये वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जाएंगे तो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों लैंग्वेज में वहाँ पे पहले से ही अपलोड है, तो आप इसे ज़रूर अपने पास रखें। जो हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी मीडियम का हार्ड कॉपी अपने पास रखें, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में अपने पास ये हार्ड कॉपी ज़रूर रहना चाहिए, कॉपी और पेन भी आपके साथ रहना ही चाहिए। फिर आप इस वीडियो को देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो वीडियो है ये लगातार पर डे 6 PM में अपलोड हो जाता है, और आप इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने का कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा जो ये कंटेंट है, जो हमारा ये पढ़ाने का तरीका है, ये पहुंचना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मुहिम चल रहा है। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग इस पाँचों क्वेश्चन को एक साथ देखते हैं। जैसा कि कभी भी आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन को बनाइए तो नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन होता है उसके शार्पनेस पर ध्यान देना है। शार्पनेस पे ध्यान देना है कि नंबर कैसे स्लो चल रहा है या बहुत फास्ट चल रहा है या मीडियम में फास्ट चल रहा है, तो इस तीनों को समझना पड़ेगा, बहुत स्लो या मीडियम फास्ट या बहुत ज़्यादा फास्ट। तो आप यहाँ से देख पाएंगे तो 2, 4, 10 ये फिर दिया हुआ 22। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिए, अगर आप यहाँ से ऐड करके देखेंगे तो ये इस दोनों का जो नंबर का डिफरेंस है वो 20 आया हुआ, 20 आया हुआ, लग तो रहा दुगुना भी है, ये भी दुगुना लग रहा है, ये भी दुगुना लग रहा है, देख लो ये भी दुगुना लग रहा है, लेकिन 2 × 4 फिर ये तो ठीक है, 4 × 8 + 2, 10 × 20 + 2 तो यहाँ पे +2 + 2 एक्स्ट्रा आ गया, 22 × 44 + 2 यहाँ पे 46 रहता तो और अच्छा रहता, लेकिन इसके लिए यहाँ पर भी 2 ऐड होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा। तो ये देखिए दोनों के बीच का जो अंतर है वो 20 है, इस दोनों के बीच का अंतर क्या है 12 है, इस दोनों के बीच का अंतर 6 दिख रहा है आपको, और इस दोनों के बीच का अंतर क्या दिख रहा है आपको 2। तो अब है क्या ये, इसको समझना है। ध्यान से देखिए, ये 1 का स्क्वायर + 1 है, ये 2 का स्क्वायर + 2 है, नंबर को पकड़ना पड़ेगा, ये 3 का स्क्वायर + 3 है, ये 4 का स्क्वायर + 4 है, तो नेक्स्ट हमारा क्या ऐड हो जाएगा, 5 का स्क्वायर + 5 यानी 30 ऐड हो जाएगा। तो 30 जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 का स्क्वायर + 1 है तो 1 × 2, 2 का स्क्वायर + 2 है तो 2 × 3 = 6, 2 × 3, 3 स्क्वायर + 3 है तो 3 × 4, 4 स्क्वायर + 4 है तो 4 × 5, 5 स्क्वायर + 5 है तो 5 × 6, तो नेक्स्ट ये तो हमारा हो ही गया। ठीक है, चलिए आते हैं फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पर आप देखिए ये 1.5 गुना नज़र आ रहा है और ये 2.5 गुना नज़र आ रहा है, 2.5 गुना, ये 1.5 गुना और ये आधे के आसपास, तो इसको समझते हैं। तो 8 को अगर हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 को अगर हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6।
इसी तरह से अगर 6 को हम लोग 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 15। तो यहाँ पर 0.5 से मल्टीप्लाई, 1.5 से मल्टीप्लाई, 2.5 से मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट हमारा 3.5 से मल्टीप्लाई और नेक्स्ट हमारा 4.5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आप इस 15 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा, 15 × 3 = 45। एंड 15 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ 7.5, तो 7.5 एंड 45 अगर इस दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 52.5, और यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, 15 × 3 = 45, 15 × 5 = 75 यानी 7.5 में 45 को ऐड करते हैं तो 52 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो ये 15 है, ये 34 है, ये 72 है, 148 है, और फिर यहाँ पर 604 नज़र आ रहा है। डबल करके आप देख सकते हैं, डबल डबल डबल, फिर ये डबल और फिर ये डबल। अगर आप यहाँ से दुगुना करते हैं तो ये 280 290 के आसपास आ जाएगा, और 29 दुनी यहाँ पर भी हमारा 580 के आसपास आ जाएगा। यानी ये क्या है, ये मीडियम में चल रहा है, और मीडियम का मतलब लगातार किसी एक ही संख्या से बार बार मल्टीप्लाई। अब यहाँ से रूल का पता लगाते हैं, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, और क्या ऐड कर देंगे 4। 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 68 आएगा, प्लस क्या ऐड कर देंगे 4। तो 4 ऐड हो रहा। एक बार यहाँ भी हम लोग चेक करके देख लेते हैं, तो 72 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 144 आता है, प्लस 4 148। देन अब क्या करना है, 148 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 को ऐड कर देना है। तो 148 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 200, और 48 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 आता है। तो 296 प्लस 4 अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 300 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 300। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ से ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ही चल रहा है। तो 25 में क्या ऐड करें कि 30 आ जाए 5, 30 में क्या माइनस करें कि 10 आ जाए 20 आ जाए, 10 माइनस करेंगे 20 आएगा, 20 में 20 ऐड करेंगे तो 40 आएगा। तो 5, 10, 20, नेक्स्ट क्या होना चाहिए 40, और नेक्स्ट क्या होना चाहिए 80। ये ऐसा चल रहा है, पहले प्लस आया फिर माइनस आया, प्लस आया माइनस आया, और फिर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो 40 में से 40 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 0, प्लस 80 फिर 80, सही है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सीरीज का। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 15 का आधे के आसपास है, ये एक गुने के आसपास है, ये डेढ़ गुने के आसपास है, ये दो गुने के आसपास है। तो ये हमें जैसे ही दिख जाता है, देख लीजिए, तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं। 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को, यानी हाफ करेंगे तो 7.5, और 7.5 में अगर 0.5 को ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है 8। 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, फिर 1 ऐड करते हैं तो 9। 9 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13.5 आता है, और 13.5 में अगर 1.5 को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 आएगा, और 30 में अगर 2 ऐड करते हैं तो 32 आएगा। इतना ज़्यादा आपको नहीं करना होता एग्ज़ाम में, बस एक दो से ही आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2.5 से मल्टीप्लाई और 2.5 ऐड हो जाएगा। तो 32 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप यहाँ पर क्या करें, 16 इसे हाफ करें और इसे डबल करें, तो 16 × 5 क्या हो जाएगा, हमारा 80। ठीक है, और 80 में अगर 16 × 5 हमारा 80 हो गया और 2.5 को ऐड कर दिए तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 82.5, और ये हमारा नंबर सीरीज का 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और फिर हम लोग इससे बढ़ेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, 6 से 10 तक हमारा दिया हुआ DI, इस DI को हम लोग जल्दी से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए डायरेक्शन आपको पढ़ लेना है, गिवन बिलो द टेबल सो द नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय 5 सेलर्स एंड रेशियो ऑफ HP लैपटॉप सोल्ड टू डेल लैपटॉप सोल्ड, स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी से बना देता हूँ। ये आप देखिए कि क्या दिया हुआ है, सेलर है A, B, C, D और E। ठीक है, टोटल लैपटॉप जो सोल्ड किया जा रहा है, टोटल लैपटॉप बेचा जा रहा है 2376 बेचा जा रहा है। ठीक है, और इधर 3150 है बी में, सी में दिया हुआ 2080, डी में दिया हुआ 5280, ई में दिया हुआ 3360। HP और डेल, इस दोनों का रेशियो दिया हुआ, क्या रेशियो दिया हुआ, 6:5।
फिर इसका रेशियो दिया हुआ 9:5, इसका रेशियो दिया हुआ 5:3, फिर 9:13 एंड 1:2, ऐसा दिया हुआ रेशियो। तो सबसे पहले आपको करना क्या हो, डीआई बनाने से पहले यहाँ पर आप देखिए 6, 5, 11 इस दोनों डेटा को हम लोग निकाल लेते पहले ही डीआई सॉल्व करने से पहले। अगर एक मिनट ये डेटा सॉल्व करने में हमारा हो जाएगा रेशियो के रूप में, यहाँ पर दिया हुआ है एचपी और डेल का और उसका टोटल 2376 दिया हुआ, अगर दोनों का संख्या हमारा एक मिनट निकालने में लग जाएगा ये पाँचों डेटा, तो फिर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जिस क्वेश्चन को हम 4 सेकेंड 5 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इस पर एक मिनट टाइम खर्च करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं। देखिए करना क्या होता है, आपको जल्दी से करना होता है एग्ज़ाम में, अगर आप जल्दी से नहीं कर पाते तो इसका मतलब आप प्रिपेयर है नहीं एग्ज़ाम देने के लिए। तो सीखना है यहाँ पर 6, 5, 11 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 2376 को। देखिए काटना कैसे है, लिखना कुछ भी नहीं है, 11 × 2 = 22, 2 आ गया, 1 बचा, 11 × 1 = 11, 6 बचा, 11 × 6 = 66, यानी 216, 216। ओके, ये दिखना चाहिए दिमाग में, 216 को अगर 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 आ जाएगा, 216 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 आ जाएगा। ये देखिए डेटा हमारा निकल गया पहले ही। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 9 + 5 = 14 रिप्रेजेंट करेगा 3150 को, तो 14 × 2 = 28। ठीक है, चलिए इंटू टू, दो पे ध्यान रखिएगा, 14 × 2 = 28, बचा हमारा 3, फिर से 14 × 2 = 28, बचा हमारा 7, तो 2 आ गया, यहाँ पे 7 बचा हुआ तो 14 × 5 = 70, 225 हो गया, 225 ऐसा आ गया। तो 225 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1125, क्या आ जाएगा 1125, 225, 200 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 125, तो क्या आ गया 1125। और इसी 225 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1800 और 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225, तो हमारा इसका जो डेटा आ गया वो आ गया 2025। समझ पा रहे हैं, या 3150 में से 1125 को माइनस कर देंगे 3150, 50 में से 25 माइनस करेंगे 25 आएगा और 3100 में से 1100 माइनस करेंगे 20 आएगा, तो ऐसा भी डेटा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आप इसे कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फिर से देखिए क्या है, 8 = 2080, तो 8 × 2 = 16, यहाँ भी 2 आ रहा, बचा 4, 8 × 6 = 48, तो 260 यानी 260। ये आपको लिखना नहीं है, करना है, 8, 8 × 2 = 16, बच गया 4, 8 × 6 = 48, यहाँ बच गया 0, तो 260 एंड 260 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 780 आएगा और 260 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1300 आ जाएगा। ठीक है, 260 × 5, ये सब एकदम बारीकियों को समझिए, 260 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं करेंगे 10 से करेंगे मल्टीप्लाई और फिर हाफ करेंगे, तो 260 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2600 आ गया, अब हाफ कर देते हैं तो 1300 आ गया। ये सब बारीकी है, इसको समझना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप देखिए 13 और 9 मिलके क्या हो जाता है हमारा 22, 22, तो 22, 22 × 44, यहाँ भी आपको 2 नज़र आ रहा है, 44, फिर बच गया 8, 22 × 4 = 88 यानी 240, 240। अब इस 240 को यहाँ पर हम लोग 13 × 240 और 9 × 240 लिख सकते हैं, 13 को 200 से मल्टीप्लाई करते हैं 2600 आता है, 13 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं 520 आता है, तो क्या हम लोग इसे 2600 + 520 3120 नहीं लिख सकते क्या? और यहाँ पर हम लोग चाहे तो 5200 में से 3100 घटा दे, 80 में से 20 घटा दे, तो 80 में से 20 घटाएंगे तो आएगा 60 और 5200 में से अगर 3100 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21। तो यहाँ पर आपको दोनों ही डेटा जल्दी से मिल गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे 3 है तो 3 × 3, 3 × 3, 3 × 6, तो ये आ गया 1120। 1120 को जैसे ही हम लोग डबल करेंगे तो 1120 को डबल करने के बाद हमारा आ जाता है 2240 और ये हो गया हमारा 1120। तो अगर इस डेटा को निकालने में आपका एक मिनट डेढ़ मिनट जा भी रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे जो होगा 2-3 क्वेश्चन में ये आपको समय बहुत ज़्यादा बचा देगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पांचों का पांचों क्वेश्चन देखते हैं एक साथ। पहला क्वेश्चन आप देखिए कि क्या दिया हुआ है, HP लैपटॉप सोल्ड बाय A इज वाट परसेंट लेस देन HP लैपटॉप सोल्ड बाय B। यहाँ पर आप देखिए कि HP लैपटॉप के बारे में डेटा अगर हमारा निकला हुआ तो कितना आसान हो गया,
एचपी लैपटॉप सोल्ड बाय ए एचपी लैपटॉप कितना 1296 इतना बेचा जा रहा है। व्हाट परसेंट लेस देन एचपी लैपटॉप सोल्ड बाय बी, अब बोल रहा 2025 से ये कितना कम है, यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कितना परसेंट कम है। ठीक है, अगर आप चाहे तो ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो बढ़िया रहेगा इसको आप समझिए कि आप देखिए कि 2025 से कम कितना है। तो 2025 से अगर आप 1300 पहले माइनस कर देंगे तो 700 हो जाएगा, 1300 हमने माइनस किया, यहाँ पर हमने 4 बढ़ाया तो यहाँ भी आप 4 बढ़ा दीजिए। ठीक है, अंतर तो सेम रह जाएगा, ये 1300 हो गया और ये 2029 हो गया। अब 2029 में से जैसे ही हम लोग 1300 को माइनस करेंगे 1300 को, तो ये हमारा आ जाएगा 729। अब ये लेस है, अब इसी का परसेंटेज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, 2025 के रिस्पेक्ट में, समझना है। अब इसको करना क्या है, 100 से गुना कर देंगे तो भी निकल जाएगा, बट ये एग्ज़ाम के लिए नहीं है, 100 से गुना करना आप घर पे सीख सकते हैं। तो ये 2025 अपने आप को 100% रिप्रेजेंट करता है क्या, 729 निकालना, 202.5 के बारे में आपका क्या विचार है, ये 10% रिप्रेजेंट करता है और लगभग में यहाँ पर 3 गुना है, थोड़ा हम 3 गुना करके भी देख लेते हैं। तो 202 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो 606.5 को मल्टीप्लाई करते तो 1.5, तो 607.5 बराबर हमारा क्या हो गया 30%। तो एक बात तो पता चल गया कि 30% से ज़्यादा है। ठीक है, अब एक बात और देखिए कि अगर 202 ऐड कर देते हैं तो ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा, 809 के आसपास आ जाएगा, वो नहीं करना है, बीच में देख लेना है। तो 607 और 729 के बीच का डिफरेंस आप देखिए 122, 100 क्या आ जा रहा है 22, ध्यान से देखना 122, लगभग में 122 या 121.5 भी आप बोल सकते हैं। तो 10% हो जा रहा 202.5, तो 1% हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, 20.25 ऐसा रिप्रेजेंट करेगा, और 20 का ये 6 गुना है, कितना गुना है 6 गुना है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं 6 गुना 6%, 1% 20.25, तो 6% बराबर 122, और इस दोनों को ऐड करने पे हमारा 729 आ जा रहा है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36% अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब ऑप्शन में आप देखिए तो ऑप्शन में आप डायरेक्ट आप देख सकते हैं सी में 36% दिया हुआ है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है। तो आपको इस तरीका से बनाना पड़ेगा, इससे क्या हो जाएगा जल्दी आपका सॉल्व होगा। मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाया, बट ये अगर तरीका आपको आ जाता है तो आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया, बढ़े आगे हम लोग, चलिए ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब ये 7वां नंबर का असल में DI का क्वेश्चन है। ठीक है, 7वां नंबर का क्वेश्चन है इस DI का, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ डेल लैपटॉप सोल्ड बाय बी सी एंड डी ऑल टुगेदर। तो बी सी डी के द्वारा डेल बी सी प्लस डी का एवरेज निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, कौन सा लैपटॉप निकालना है डेल। तो आप क्या करते हैं, एक स्टेप होता है कि हम लोग सबको पहले ऐड कर लेते हैं और फिर 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं फिर डिवाइड करते हैं, लेकिन अपना तरीका कुछ अलग है, पहले हम लोग डिवाइड करेंगे और फिर ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। डिवाइड किससे करना है, 3 से, हमें तो पता ही है 3 से डिवाइड करना है, 3 से बी वाले में डिवाइड करते हैं, 1125 में 3 से डिवाइड करें, देखिए 1125 में 3 से डिवाइड करते हैं। तो 1125 में अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो आप देख पा रहे क्या कि ये कट जा रहा, देखिए 549 3 से डिविजिबल है, तो 3 * 9 3 हो गया, बचा हमारा 2, 3 * 7 = 21 और 3 * 5 = 15, ये हमारा क्या आ गया 375, 3 से डिवाइड हमने कर लिया, चलिए ठीक है। प्लस 780 में हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो 260 आ जाता है, सी का डेल का है ना, और डी में आप देख लीजिए कि 3120 है, तो 3 से डिवाइड करते 3 * 3 3 * 4 = 12 1040 आ जाता है। अब इसे ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है, 1050 मिलके हो गया 1500। ठीक है, 60 - 40 मिलके हो गया 100 यानी 1600 और 75 आपका आंसर हो जाएगा 1675। समझ पा रहे क्या, तो आपको वो नहीं करना है कि इस तीनों को पहले ऐड किए तो एक तो ऐड करने में हमारा 1 मिनट जाएगा, फिर उसको 3 से डिवाइड करें फिर आंसर आएगा। तो इससे बढ़िया क्या है कि हम लोग डिवाइड करते चले और फिर बाद में ऐड कर ले, हमारा आंसर हो जाएगा 1675 यानी ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। ठीक है, चलिए बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वें नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, 8वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो बिटवीन एचपी लैपटॉप सोल्ड बाय सी टू एचपी लैपटॉप सोल्ड बाय ई। देखिए कितना फायदा हो गया इस डेटा को पहले ही हम लोग निकालने से, नहीं तो अभी निकालना ही पड़ता, बार बार निकालना पड़ता। तो एचपी लैपटॉप सोल्ड बाय सी, एचपी लैपटॉप सोल्ड बाय सी 1300, ऑप्शन चेक कीजिए 13 का मल्टीपल कोई है क्या ऑप्शन में, तो आंसर एक बार में आ गया आपका, एक तो 65 भी है और एक
ई भी है, चलिए ठीक है, हम लोग थोड़ा और भी आगे बढ़ जाते हैं। तो लैपटॉप ई, ई के द्वारा क्या है 1120, तो यहाँ पर आप 1120 लिखें और इस दोनों को काट दें, ठीक है। अब आप यहाँ से दो से डिवाइड करेंगे तो ये फिर 65 आएगा और ये 56 आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, इसमें कुछ भी समय नहीं लगा, ठीक है। नौवें नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डेल लैपटॉप सोल्ड बाय डी एंड ई टुगेदर इज हाउ मच मोर देन डेल लैपटॉप सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर। डी और ई के द्वारा डेल लैपटॉप कितना लेस है, कितना लेस है, परसेंटेज में नहीं बोला, लेस बोला, मतलब एक्चुअल नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है। बी और सी के द्वारा जो डेल का लैपटॉप सोल्ड किया जा रहा है वो कितना ज़्यादा है, मोर है, कितना ज़्यादा, देखिए कैसे निकालते, ध्यान से देखना आपको, तो इसको लिख लेना है पहले, ये ऐसा नहीं लिखना है एग्जाम में, बी में डेल लैपटॉप, बी से डेल लैपटॉप कितना है 1125, सही है। डी या ई में आप देख लीजिए डेल लैपटॉप जो आसानी से आप निकाल सकते हैं, तो 1125 से 2240 कितना ज़्यादा है, 1100 कितना ज़्यादा आप चेक कर लीजिए ना, 1125 से 2240 1115 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 1115, चलिए 1115 दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए सी और डी में, सी और डी में आ जाते हैं, तो सी में 780 है और डी में क्या है आपको दिया हुआ डेल लैपटॉप 3120, तो 3120 में से 780 को घटाना है, कैसे घटाते हैं, यहाँ भी 20 बढ़ाइए, यहाँ भी 20 बढ़ाइए, ये हो गया 3140 और ये हो गया 800, अब 3140 में से 800 को माइनस कर देना है, तो 3100 में से अगर 800 को आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2300 और 40 तो था ही, तो 40, तो एक तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 1115 प्लस 2340, इस दोनों को ही ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3455, समझ पा रहे क्या, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये हमने कैसे बनाया, ये कोई जादू नहीं है, समझिए बात को, एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डी में डेल लैपटॉप 3120, सही है, ई में कितना डेल लैपटॉप है 2240, बी में डेल लैपटॉप है 1125 और सी में डेल लैपटॉप क्या है दिया हुआ 780, तो एक तो आप इसको जोड़िए फिर इसको जोड़िए, दोनों को जोड़ने के बाद फिर चेक कीजिए कि कितना ज़्यादा है, तो टाइम लगेगा ना, तो आप दोनों से बारी बारी से देख लीजिए, ये दोनों देख लीजिए नज़दीक है ज़्यादा, या आप इससे भी चेक कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि आप इससे चेक नहीं कर सकते, 3100 में से 1100 को माइनस करेंगे आ गया 2100, 20 में से 20 माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो 2100 में से 5 और माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो गया 1995, यहाँ से यहाँ भी देख लेते हैं हम लोग, प्लस 780 और 2240 का अंतर देख लेते, चलिए 20 इसमें भी ऐड कर दीजिए, 20 इसमें भी ऐड कर दीजिए, तो 2260 और ये 800 हो गया, दोनों में 20-20 ऐड करने पे दोनों का डिफरेंस चेंज नहीं होगा ना, लेकिन हमारा क्या फ़ायदा हो जाएगा, 800 बहुत आसानी से हम लोग माइनस कर पाएंगे, तो 2260 में से 800 को माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा 1460। अब इस दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो 5 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा देख लीजिए 5, ठीक है, तो फिर से हमारा एक बच गया, तो 20 प्लस 14 दोनों को ऐड कर देंगे तो 3455 आ जाएगा, और 3455 हमारा डी ऑप्शन में, क्या आप समझ पा रहे बात, चलिए बढ़ते हैं, या आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, दोनों का अंतर 1115, ठीक है, और यहाँ से आप दोनों का अंतर देख लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, डेल लैपटॉप सोल्ड बाय सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द डेल लैपटॉप सोल्ड बाय बी। तो सारा हमारा डेटा निकला हुआ है तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, डेल लैपटॉप सोल्ड बाय सी तो 780 और इसका परसेंटेज पूछा जा रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ डेल लैपटॉप सोल्ड बाय बी, तो बी के रिस्पेक्ट में इसका परसेंटेज पूछा जा रहा है, 1125 के रिस्पेक्ट में 780 का परसेंटेज पूछा जा रहा है। आप ऐसा करें, इसे दोनों को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई हमने क्यों किया, यहाँ पर 25 दिखा, तो 11 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4400 आता है और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते 100 आता है, तो नीचे तो हमारा बहुत अच्छा नंबर आ गया, 4500 आ गया, बोलिए आ गया क्या, 700 को 4 से मल्टीप्लाई करते 2800 आ गया और 80 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते 320 आ गया, तो ये हमारा 2800 प्लस 320 3120 आ गया, देखिए अब कितना ये आसान हो गया, ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, कट गया क्या, जीरो से जीरो, अभी और हम लोग काटना चाहे तो और काट सकते हैं, फिर हमको चाहे मन किया डबल कर देंगे, चलिए हटाइए, फिर डबल कर दिए, तो ये क्या हो गया हमारा 624 और ये हमारा क्या हो गया 900, तो 624 का परसेंटेज 900 के रेस्पेक्ट में निकालना, चलिए अब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करने पे 0 कट गया ना, अब 6 से 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 से 63 नहीं, 9 6 54 बच गया हमारा 8, 9 में 81,
बच गया हमारा यहाँ पर 3, तो 3/9 यानी हम लोग बोल सकते हैं 69.1% यही हमारा आंसर होगा, 69.33%। समझ पा रहे क्या? तो ये हमारा DI का क्वेश्चन था और 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ 6 से 10 तक। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है, और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आप देखिए 11 से 15 तक डेटा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं बहुत बार बार इसे मैंने वीडियो के रूप में डिस्कशन कराया है, तो आप 11 से 15 सेल्फ करें और फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट ज़रूर किया करो, कमेंट हमेशा किया करो, बिना कमेंट का कुछ काम नहीं चलेगा। कमेंट जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा मुझे अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगा कि आपके लिए मुझे करना है, तो आप कमेंट श्योर किया करो, कुछ भी हो जाए कमेंट करो, अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा सब कुछ के बारे में आप कमेंट कर सकते हो, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, कौन सा क्वेश्चन बन गया, तो आप कमेंट करते रहो फिर अच्छा रहेगा। समझ पा रहे हो? जैसे आपको एक दिन पहले ही आपको PDF मिल जाता है तो उसमें आप कमेंट कर दिया करो पिछले सेट वाले में कि ये क्वेश्चन हम सेट 3 में से नहीं बना या सेट 2 में से नहीं बना, तो इससे क्या होगा कि आपका भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डॉट क्लास में रख लेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट में करा दिया जाएगा। समझ पा रहे बात? चलिए देखिए अब यहाँ पे तो हम लोग आते हैं अभी 16 नंबर के क्वेश्चन पे। 16 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान दिया हुआ, थोड़ा सा मैं हिंट्स कर देता हूँ, इसे पूरा कंप्लीट नहीं कराऊंगा, ये आपका आंसर होना चाहिए या कंप्लीट ही करा देता हूँ। देखिए, भाव्या स्टार्टेड ए बिजनेस विथ ए कैपिटल ऑफ रुपीज, एक भाव्या है जो 2675 रुपया लेकर के एक बिजनेस स्टार्ट किया। अनदर पर्सन योगेश ज्वाइन भाव्या आफ्टर सम मंथ, कितने मंथ के बाद आया ये नहीं पता है, ठीक है, विद द कैपिटल ऑफ 1800, 1800 रुपया लेकर के आया। तो भाव्या का तो पूरा का पूरा 12 महीने के लिए लगा रहा है, लेकिन योगेश का कुछ महीने के लिए लगा रहा क्योंकि कुछ दिन के बाद आया, ठीक है। अब कहा जा रहा क्या, आउट ऑफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹33,144, यानी टोटल प्रॉफिट क्या है 3144, और उस 3144 में से 2568 रुपया जो है वो भाव्या को मिल गया। तो 3144 में से 3144 में से अगर 2568 को आप माइनस करेंगे तो जो भी आएगा वो किसका चला जाएगा, योगेश का चला जाएगा। तो देखिए 2568 है तो यहाँ पे आप 32 ऐड कीजिए, यहाँ भी 32 ऐड कीजिए, इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि डिफरेंस इक्वल रह जाएगा और डिफरेंस हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो 3100 ये आपका हो जाएगा 3176, और 3176 में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे 2600 को तो 576 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का कैपिटल पता चल गया, प्रॉफिट पता चल गया। अब इस 32 का कोई काम हमारे पास नहीं है, ठीक है, ये ऐसे होता है। अब आपको करना क्या है, इसका टाइम निकालना। अगर इसका टाइम निकल गया तो ये बात पता चल जाएगा कि ये कितने दिन के बाद इस बिजनेस में एंट्री किया है, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिए 2568, सबसे पहले तो यहाँ पे काटना आप शुरू कीजिए, दोनों का रेशियो आप निकाल लीजिए, इस दोनों का रेशियो कैपिटल इंटू टाइम और इस दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। देखिए कितना आसान है, तो 12 से ये एक बार में कट जाएगा, 15 बार में 180 होता है तो ये 150 हो जाएगा। 15 से आप इसे काट सकते हैं, देख लीजिए 15 या 3 से काट लीजिए या 5 से काट लीजिए, तो 5 या 15, ठीक है, 5 से काट लीजिए तो ये 30 हो गया, और 5 से इसे काटते हैं तो 5 बचे 25, एक बच गया हमारा, 5 या 15, 5 बचे 25, तो ये हमारा 535 हो गया, सही है। अब इस दोनों को हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 4 से काटते हैं, तो 14 चौका 56, 4 चौका 16 144, 4 छाके 24, 4 चौका 16, 4 दुनी 8, और भी लग रहा है हम लोग का कटेगा, ये थोड़ा और काट लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है देखिए, तो ये इसको अगर हम लोग और काटते हैं तो ये आ जाएगा आपका 12 से कट रहा है क्या, या 2 से ही काट लेते हैं, 2 सते 14, 2 दुनी 4, ठीक है, 2 तीया 6, 2 दुनी 4, 2 इकाई 2, 321, 72, ये 12 से कट जा रहा था, चलिए कोई बात नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया 107, और ये आ गया हमारा 24 तीया 72। अब आपको क्या दिख रहा है, 107 बराबर 535 गुना कुछ नहीं, तो 107 का ये कितना गुना है, 5 गुना है, 107 का ये कितना गुना है, 5 गुना है पूरा। तो इसका मतलब क्या है, प्रोपोर्शन में जब होगा तो 24 का भी ये 5 गुना होना चाहिए, और 24 का 5 गुना होता कितना है 120, 24 का 5 गुना कितना होता है 120, और 120 बराबर 30 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 आए, तो 30 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आफ्टर 8 मंथ्स, मतलब योगेश कितने महीने के बाद इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो 8 महीने के बाद।
समझ पा रहे क्या? चलिए बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जरूरी है सर। आते हैं हम लोग 17 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 4320। सही है। रेशियो बिटवीन मेन एंड वीमेन इज 4:5। देर आर 60% लिटरेट एमंग मेन एंड 50% लिटरेट एमंग वीमेन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट मेन इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ लिटरेट वीमेन इन टाउन। उम्मीद करते हैं कि आपके पास पीडीएफ होगा और आप पीडीएफ देख रहे होंगे, तो इसे पढ़ने में हम लोग कुछ ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। आप वैसे भी आप देख पा रहे हैं 1 से 1.5 घंटे का ये वीडियो बन जा रहा है, तो टाइम नहीं बर्बाद करना है। 17 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया हुआ। तो किसी टाउन में कहा जा रहा है मेन और वीमेन का जो रेशियो है वो 4:5 है और इसका संख्या भी दिया हुआ 4320। इसमें से दोनों में लिटरेट और इलिटरेट है, ठीक है, दोनों में लिटरेट और इलिटरेट है। तो क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पर 4320 का कोई यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सब बारीकी है, इसको समझना पड़ेगा। कहा जा रहा है देर आर 60% लिटरेट एमंग मेन, तो 60% लिटरेट है, तो बताइए कि 4 का अगर 60% लिटरेट है तो 4 का 40% इलिटरेट होगा। सही है। फिर 50% ऑफ लिटरेट एमंग वीमेन, तो 50% अगर लिटरेट है तो 50% इलिटरेट होगा, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ लिटरेट वीमेन इन टाउन, व्हाट परसेंट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट मेन, इलिटरेट मेन, तो इलिटरेट मेन हमारा क्या आया 40% 4 का, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि इलिटरेट मेन इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट वीमेन, तो लिटरेट वीमेन क्या है 50% 5 का। अब इसका परसेंटेज पूछा जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में, कुछ रहा क्या इसमें, देखिए 0% खत्म हो गया, तो क्या हो गया 16/25 × 100 कर दीजिए, तो 25 में से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 खत्म हो जाएगा, ये 16 हो गया, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ गया 64%, ठीक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो क्या 4320 का यूज़ हुआ क्या? नहीं यूज़ हुआ, इसका यूज़ करना भी नहीं है, फालतू टाइम पास हो जाएगा। फिर चलिए बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years एट 8% पर एनम इज 225% लेस देन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 years एट 10% पर एनम, व्हाट इज द सम। कितना आसान क्वेश्चन है ये। तो एक बार तो एक ही सम है जिसका 8% 2 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट का द रेट है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा हमारा 16%। सही है, ठीक है। और CI के दर पे एक बार बोला जा रहा 10% के रेट से 2 वर्ष के लिए, तो ये डायरेक्ट तो नहीं होगा, 10 × 20 तो नहीं होगा। अगर SI होता तो 10 × 20 होता, लेकिन CI है तो 10 + 10 = 20 होगा और 10 का 10% 1 होता है, तो इसका जो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट वो 21% हो जाएगा। 10 + 10 = 20 और 10 का 10% 1%, तो ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 21%। सेम सम है तो इस दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो हमारा क्या आ गया 5%, और यही 5% बराबर 225 के। तो हमेशा प्रिंसिपल 100% को रिप्रेजेंट करता है, तो 5% बराबर 225 होगा, तो हमारा 100% बराबर 5 से 100 देखिए कितना गुना है, 20 गुना है। तो इसी तरह से आप 225 को भी 20 गुना कर दें, तो 225 को जैसे 20 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 450 और 10 आ गया हमारा, तो आंसर हो गया 4500, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया ई। बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर का क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। मैं इसे थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ, बेसिक से। ऑन सेलिंग 21 बोतल एट ₹1620 देयर इज़ ए प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बोतल द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बोतल इज। यहाँ पर समझना है, कहा जा रहा है 21 बोतल को बेचा गया, इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹1620, ठीक है। घबराना नहीं है, पहले आप समझ लीजिए। हम लोग मान लेते हैं 21 बोतल का, अच्छा प्रॉफिट कैसे हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है 6 बोतल के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बोतल इज, एक बोतल का कॉस्ट प्राइस क्या है। चलिए छोड़ दीजिए, ध्यान से देखना है। हम लोग ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि एक बोतल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया, कितना रुपया 1 रुपया।
तो 21 बोतल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 21 बोतल का कॉस्ट प्राइस 21 रुपया हो जाना चाहिए, सही है क्या? प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 6 बोतल के कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो एक बोतल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, तो 6 बोतल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 6 रुपया, सही है। तो अब ये बताना है कि 21 बोतल का अगर कॉस्ट प्राइस 21 रुपया है, तो प्रॉफिट अगर ऐड कर देंगे तो 21 बोतल का सेलिंग प्राइस क्या निकल जाएगा, 27 रुपया, बोलिए निकलेगा क्या? ख़त्म हो गया ना आंसर। तो 27 यूनिट बराबर हम लोग सीधा बोल सकते हैं 1620 के, तो 27 यूनिट बराबर 1620 के, तो एक यूनिट बराबर आप देखेंगे तो 40 के आ जाएगा, 27 चौका 162 होता है 40, तो एक बराबर 40 आया, और हमें एक बोतल का कॉस्ट प्राइस निकालना, फिलहाल ये 21 बोतल का कॉस्ट प्राइस 21 यूनिट है, तो एक बोतल का 40, एक बराबर 40, तो यहाँ पर 21 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 21 गुना 40, सॉरी ये 60 होगा, 6 बार में ये कटेगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे माइनर मिस्टेक है, 4 बार में नहीं कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, 27 गुना 6 162 होता है, तो एक बराबर हमारा 60 हुआ, तो 21 बराबर क्या हो जाएगा, ये 21 गुना 60। अब 21 बोतल का टोटल कॉस्ट प्राइस 21 गुना 60 है, तो एक बोतल का कॉस्ट प्राइस आप बता दीजिए, एक बोतल का कॉस्ट प्राइस, तो क्या 21 गुना 60 को 21 से डिवाइड कर देंगे, क्यों 21 से करेंगे, क्योंकि 21 बोतल का टोटल कॉस्ट प्राइस 21 गुना 60 है, तो एक बोतल का कॉस्ट प्राइस 21 से डिवाइड करके निकालेंगे, 21 से 21 आपका कट गया, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 रुपया, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ते फिर हम लोग 20वें नंबर के क्वेश्चन पे। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, ए बी सी कंप्लीटेड ए वर्क कॉस्टिंग 2400, ए बी सी कैन कंप्लीट द वर्क अलोन इन 12, 20 एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली, ए बी सी टुगेदर फिनिश द वर्क, देन हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाई बी पर डे। अगर समय कॉन्स्टेंट रहता है, याद रखिएगा, अगर समय कॉन्स्टेंट है, तीनों मिल करके काम शुरू किया है और तीनों के लिए समय कॉन्स्टेंट है, तो जो रुपया बटेगा वो उसके इफिशियंसी के रेशियो पे बटेगा। अगर समय अलग अलग है तो वो उसके रुपया जो बटेगा अमाउंट वो बटेगा उसके वर्क डन के आधार पे, समझ पा रहे क्या? तो यहाँ पर समय बराबर है, तो ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, सी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग टोटल यूनिट वर्क मान लेते हैं, टोटल यूनिट वर्क ऐसा मान ले जो कि तीनों से कट जाए, तो टोटल यूनिट वर्क हमारा हो गया 60, ठीक है। अब 12 पंचे 60, इसका 5 यूनिट का एफिशिएंसी हो गया पर डे का, इसका 3 यूनिट का हो गया, और इसका हो गया आपका 2 यूनिट पर डे का। तो रेशियो में रुपया जो बटेगा, अगर टाइम सब के लिए इक्वल है तो रुपया बटेगा आपका 5:3 और 2 के रेशियो में, 5:3 8, 8:2 10, 10 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 2400, तो 1 यूनिट बराबर 240, निकालना क्या है बी का, तो बी का हो जाएगा 3 यूनिट बराबर 240 गुना 3, तो 720 रुपया, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पर डे का बात कर रहा है, तो 720 रुपया तो इसको टोटल टाइम में लगा, अब हमको टाइम भी निकालना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर डे का बात बोल रहा है ये, तो बी को टोटल 720 रुपया मिला, अब हमको ये पता करना है कि टोटल यूनिट वर्क काम कंप्लीट कितने दिन में हुआ, तो टाइम तो सबका इक्वल है, तो 5:3 8 8:2 10, 10 यूनिट पर डे से काम होगा, तो 60 यूनिट होने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, 6 दिनों का, तो 720 रुपया बी कमा रहा 6 दिनों में, तो पर डे कितना कमा लेगा, पर डे कमा लेगा 720 बटे 6, यानी आपका आंसर हो जाएगा 120 रुपया, ये होगा आपका आंसर, पर डे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। 20 से 25 तक आपका अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं कि ये अप्रोक्सीमेशन आपसे बन गया होगा, अगर जिससे नहीं बना, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इतना नंबर का क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। चलिए अभी हम लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 26वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 26वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, ए वेल ऑफ 16 मीटर डायमीटर इज डग फॉर 9 मीटर डीप, द सोल टेकन आउट ऑफ इट हैज स्प्रीड इवनली ऑल अराउंड ऑफ वेल इन शेप ऑफ सर्कुलर रिंग और विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। यहाँ पे समझना पड़ेगा, तो जैसे ही हमारा एक कुआं खोदा गया, और कुआं जैसे ही खोदा जाएगा तो वो बेलनाकार बनाएगा, सिलेंडर बनाएगा, तो सिलेंडर का सबसे पहले तो जितना सोल निकाला उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, और वो होता है पाई आर स्क्वायर एच के, ठीक है। तो पाई को हम लोग रहने देते हैं, ठीक है, और एक कुआं का डायमीटर दिया हुआ 16 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 8 मीटर का,
तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर, डायमीटर 16 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 8 मीटर, और हाइट क्या हमारा दिया हुआ 9 मीटर डीप। तो ये हमारा टोटल आयतन निकल गया, वॉल्यूम निकल गया, जितना मिट्टी उससे निकाला गया। अब ये कुआँ है, ऐसा कुआँ है, और इसका डायमीटर 8 मीटर। अब हो क्या रहा है कि बोले क्या रहा है, 4 मीटर का, 4 मीटर इसके चारों तरफ मिट्टी को फैलाया जा रहा है। ये कितना मीटर फैलाया जा रहा है, 4 मीटर। तो ये जो मिट्टी फैलाया जा रहा है ये कितने हाइट पे हो जाएगा अगर सारा मिट्टी को सिर्फ इतना ही दूर ऐसे फैलाया जाए, तो कितना आसान है इसको समझते हैं। इधर क्या हो जाएगा, इसके बारे में आयतन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बड़ा जो आर है उसमें से छोटा आर को माइनस कर देंगे स्क्वायर, इंटू एच, तो पाई रहने देते हैं, बड़ा वाला जो आर है वो हो जाएगा 8×4 = 12 मीटर, 12 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर गुना एच। तो पाई से पाई आपका कट गया, 12×8 = 20, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होगा, 12 + 8 × 12 - 8, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 20×4, तो ये हो जाएगा आपका 80, तो 80×h, पाई से पाई हमारा कट चुका है, तो 9×8 = 64, तो ये आ गया 10, 8 बार में इधर कट गया, तो हाइट बराबर जो हो जाएगा 9×8 = 72 / 10, यानी 7.2 मीटर हाइट निकल गया। यानी ये जो सोल है, ये जो मिट्टी है, वो कितना हाइट पे रहेगा, कितना हाइट तक रह सकता है, 7.2 मीटर तक रह सकता है। बड़ा आसान क्वेश्चन था, चलिए बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्ताईसवें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, भाव्या एंड अभी कैन कंप्लीट ए वर्क टुगेदर इन 7.2 डेज। इफ भाव्या एंड अभी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट अभी लेफ्ट आफ्टर 6 डेज, ठीक है, देन टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 8 डेज, इफिशियंसी ऑफ भाव्या टू कंप्लीट द वर्क इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन इफिशियंसी ऑफ अभी। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ रहा है भाव्या एंड अभी दोनों मिल करके किसी वर्क को 7.2 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, तो 7.2 डे भाव्या को भी लगेगा और 7.2 डे अभी को भी लगेगा, तो काम हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अभी बीच में छोड़ के भाग गया और बोला 6 दिन तक ही काम किया, तो आप सोचिए कि जो 6 दिन तक काम किया इसको करना था 7.2, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 1.2 डे का काम जो है अभी नहीं किया, ठीक है, और पूरा काम कंप्लीट हो रहा 8 दिनों में, पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा 8 दिनों में, तो भाव्या को करना था 7.2, एक्स्ट्रा कितना कर रही है 0.8, तो जो 1.2 डे में अभी का काम बचा हुआ है उसी को मैनेज करने के लिए भाव्या को 0.8 एक्स्ट्रा लग रहा है, 0.8 एक्स्ट्रा लग रहा है किसको, भाव्या को। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, तो 2b = 3a, तो b और a का जो इफिशियंसी का रेशियो होगा वो हो जाएगा 3:2। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है इफिशियंसी ऑफ अभी, भाव्या का इफिशियंसी अभी के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है परसेंटेज में, तो मोर परसेंट जो हो जाएगा 2 से 1 ज़्यादा, यानी 50% ज़्यादा, और यही हमारा आंसर भी होगा। 28वें नंबर का क्वेश्चन है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साक्षी एंड प्रिया टू कवर ए डिस्टेंस इज 3:4। इफ प्रिया कवर द डिस्टेंस 30 मिनट अर्लियर देन साक्षी, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय साक्षी टू कवर द डिस्टेंस। बहुत आसान ये भी क्वेश्चन आ गया, लेकिन आसान तभी होता है जब आप इसके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ रहे होते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा साक्षी है और प्रिया है, एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है किस स्पीड से, 3:4 के स्पीड से। इफ प्रिया कवर द डिस्टेंस 30 मिनट अर्लियर, टाइम का बात आ गया, तो सेम डिस्टेंस जब भी होगा तो स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 4:3 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होगा। 30 मिनट कम ले रहा है कौन, प्रिया, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 मिनट = 30 मिनट के। तो अब जिसके बारे में जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन हमें बहुत आसानी से निकल जाएगा, देखिए देन फाइंड द टाइम टेकन बाय साक्षी टू कवर द डिस्टेंस, तो साक्षी के लिए तो 4 यूनिट है, तो 1 = 30, तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 120 मिनट, और 120 मिनट बराबर आंसर आएगा 2 घंटे का, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ई में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर का, योगेश दीपक एंड संजय स्टार्टेड ए बिजनेस ₹16,000, 12,000 एंड 8,000 रेस्पेक्टिवली आफ्टर ईयर, इफ ऑल थ्री डिवाइडेड द प्रॉफिट इक्वली, देन टाइम गिवन बाय योगेश इन बिजनेस इज व्हाट परसेंट ऑफ टाइम गिवन बाय दीपक इन बिजनेस। कोई बात नहीं है,
तो यहाँ पर योगेश है, 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, योगेश है, दीपक है और है संजय, किस रेशियो में पैसा लगा रहा, 16,000, 12,000 और 8,000। तो हज़ार 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 पहले से ही हम लोग काट दिए होते हैं, फिर इसका छोटा कर लो इसको, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 चौका 16, 4 3 12, 4 2 8। तो किस रेशियो में कैपिटल लगाया, ये 4, 3 और 2 के रेशियो में कैपिटल लगाया, ठीक है। अब जो है टाइम सबका अलग अलग दिया हुआ है, क्वेश्चन किसके किसके बारे में, मेन क्वेश्चन किसके किसके बारे में दिया हुआ है, परसेंटेज योगेश इन बिजनेस, योगेश का जो टाइम है वो दीपक के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट है, वाट परसेंट टाइम का, तो इसका T1 मान लेते हैं और इसका T2 मान लेते हैं, बाकी को छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इक्वली डिवाइड कर रहा, इक्वली, तो 1:1:1। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, 4T1 = 1, 3T1 = 1, तो ये दोनों ही बराबर होगा, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, 4T1 = 3T2 के, तो T1 = T2 बराबर हो जाएगा 3:4। अब योगेश का टाइम का परसेंटेज पूछा जा रहा है दीपक के टाइम के रेस्पेक्ट में, तो 4 के रेस्पेक्ट में 3 परसेंटेज कितना होता है, 3/4 यानी 75%, और ये हमारा आंसर होगा, 3/4, 3 out of 4 कितना हो जाएगा, 75%। समझ पा रहे हैं क्या, चलिए बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, एवरेज सैलरी ऑफ संजीव एंड रावत इज 3000, सैलरी ऑफ संजीव एंड रावत इंक्रीज बाई 40%, दोनों का मिल के 40% इंक्रीज किया, सॉरी संजीव एंड रावत इंक्रीज बाई 40% एंड 20% रेस्पेक्टिवली, संजीव का 40% बढ़ा और रावत का 20% बढ़ा, देन देयर टोटल सैलरी इज इंक्रीज बाई 32%, देन सैलरी ऑफ संजीव इज वाट परसेंट मोर देन सैलरी ऑफ रावत बिफोर इंक्रीमेंट। इतना आसान क्वेश्चन हो गया ये, तो एक तो संजय है, 30वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक संजय है और एक क्या है, रावत है, तो संजय का बढ़ा 40% और रावत का बढ़ रहा है 20% और दोनों का मिल के बढ़ रहा है 32%। एलिगेशन का यूज़ यहाँ पे करेंगे हम, तो 32 में से 20 को माइनस करेंगे तो 12%, 40 में से 32 को माइनस करेंगे 8%, इस दोनों का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 4 2 8, ठीक है। तो इसी रेशियो में पैसा भी बटेगा 3000, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन किससे है, परसेंटेज से, तो परसेंटेज से क्वेश्चन है, तो वाट परसेंट मोर देन सैलरी ऑफ रावत बिफोर इंक्रीमेंट, संजीव का रावत से कितना ज़्यादा था, तो कितना ज़्यादा था, 1 ज़्यादा था 2 में, आंसर हो गया 50%, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा ये 30वां नंबर का क्वेश्चन था, 50% इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आप 31 से लेकर के 35 तक में आपको दिख रहा है DI का क्वेश्चन, चलिए हम लोग अब इस DI के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अभी देखते हैं 31 से लेकर 35 तक ये DI का क्वेश्चन दिया हुआ है, मिसिंग DI है, थोड़ा आसान ही है अगर आप ध्यान से देखेंगे, नहीं तो बहुत भारी भी है। चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखने से पहले इसको आप समझ लीजिए कि ये DI क्या दिया हुआ, डायरेक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। गिवेन बिलो टेबल शो अ टोटल बजट एलोकेटेड फॉर 6 sectors इन 2 successive years एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट एलोकेटेड फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया आउट ऑफ टोटल बजट सम डेटा मिसिंग इन द टेबल स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट दैट डाटा एज पर द वैल्यू गिवेन इन द क्वेश्चन, ठीक है। 6 sector है, एजुकेशन, हेल्थ, पेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एंड रेलवे, ठीक है, रेलवे। इस 6 sector में टोटल बजट आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, एजुकेशन में अगर 6400 करोड़ खर्च हो रहा है तो उसमें से 60% रूरल एरिया के लिए है, यानी हम लोग बोल सकते हैं जो बचा हुआ 40% है वो अर्बन के लिए होगा, ठीक है। इसी तरह से हेल्थ में 7200 करोड़ आ रहा बजट में, उसमें से 55% रूरल एरिया के लिए, बाकी जो 45% बचा वो अर्बन एरिया के लिए, यहाँ पर मिसिंग है डेटा, यहाँ पर देख लीजिए इसका डेटा मिसिंग, 8800 करोड़ तो है इंफ्रास्ट्रक्चर में टोटल, बट यहाँ पे डेटा मिसिंग है कि रूरल में कितना आ रहा है, और वो मिसिंग जब है तो सीधा सा मतलब है कि क्वेश्चन में आएगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उम्मीद करते हैं कि ये डेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग पहले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखना है, सॉरी ये 31 नंबर का क्वेश्चन होगा, पहला नहीं होगा, DI का ये पहला क्वेश्चन है, 31 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
आउट ऑफ टोटल बजट एलोकेटेड फॉर पेंशन इन 2017 एंड 18, 2017-18 में टोटल जो बजट आ रहा पेंशन में फॉर रूरल एरिया, बिटवीन बजट एलोकेटेड फॉर ओल्ड पेंशन, ओल्ड पर्सन पेंशन टू बजट एलोकेटेड फॉर रिटायरमेंट पेंशन इज 5:12। बजट एलोकेटेड फॉर रिटायरमेंट पेंशन फॉर रूरल एरिया इज 3600 करोड़। देन फाइंड टोटल बजट एलोकेटेड फॉर पेंशन इन 2017 एंड 18। थोड़ा सा समझना है, टोटल बजट पे ध्यान देते हैं। 2017 और 18 में एजुकेशन पे, तो एजुकेशन पे आप अगर गौर से देखेंगे, पेंशन पे, तो पेंशन का ये तो टोटल दिया हुआ है ही नहीं, टोटल नहीं दिया हुआ, ध्यान से देखना है, टोटल नहीं दिया हुआ। लेकिन रूरल एरिया पे खर्च कितना परसेंट हो रहा, 75%। तो ये जो पेंशन होगा वो असल में 100% होना चाहिए, और उस 100% में से 75% रूरल एरिया पे खर्च हो रहा है। और इसमें भी दो तरह का पेंशन है, एक पेंशन है ओल्ड पेंशन जिसको हम लोग गाँव घर के भाषा में बोलते हैं वृद्धा पेंशन, समझ रहे हैं, और एक है रिटायरमेंट पेंशन, और उस पेंशन का रेशियो दिया हुआ 5:12। रिटायरमेंट पेंशन के बारे में दिया हुआ 3600 करोड़, क्या दिया हुआ 3600 करोड़, इसका डेटा दिया हुआ कि रिटायरमेंट पेंशन में कितना खर्च हो रहा 3600 करोड़। और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बताइए टोटल जो बजट है पेंशन के लिए वो कितना दिया गया है, तो आसान है क्वेश्चन, तो 12 बराबर 3600, तो 1 बराबर 300 करोड़, तो 5 × 3 = 1500 करोड़ हो गया, बोलिए हुआ क्या। और जैसे ही 1500 करोड़ हुआ प्लस 3600 करोड़ हुआ, तो टोटल जो पेंशन आ जाएगा 3600 + 1500 वो आ जाएगा 5100 करोड़ के। तो हम लोग बोल सकते हैं ये 75% रिप्रेजेंट करेगा 5100 को, तो 100% बराबर क्या होगा, बातों को समझिएगा। ये 100 और 75 का अगर रेशियो आप गौर करेंगे तो 4 और 3 का होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं 3 = 5100, 1 = 1700, तो 4 = 6800। तो ये हमारा आंसर आ गया, देखिए कितना टाइम लगा इसे सॉल्व करने में, 10 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, टोटल पेंशन कितना हो गया 6800 करोड़, सही है। एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, टोटल बजट 100% है पेंशन में, उसमें से 75% रूरल एरिया के लिए है। दो तरह का पेंशन है, ओल्ड पेंशन है, रिटायरमेंट पेंशन, रेशियो है 5:12। रिटायरमेंट पेंशन के बारे में डेटा दिया हुआ 3600 करोड़, तो 12 = 3600, तो हम लोग एक बार में ही बोल सकते थे, यहाँ पर 3600 है, इसका नहीं भी निकालते तो काम चलता। टोटल कितना है 17 यूनिट, तो 12 = 3600, 1 = 300, तो 17 यूनिट = 5100, यानी टोटल जो रूरल एरिया में पेंशन है वो 5100 करोड़ है। और वो रूरल एरिया वाला कितना परसेंट है, 75% है, 100% का 75%, ये 100% अगर 4 यूनिट होगा तो 75% 3 यूनिट होगा, काट के देख लीजिए ना, 25 × 100, 25 × 75, अब बोल सकते हैं 3 = 5100, तो 4 = 17 × 6800 करोड़ आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 32 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल बजट एलोकेटेड फॉर हेल्थ केयर इन 2018-19 इज 50% मोर देन टोटल बजट एलोकेटेड फॉर एजुकेशन इन सेम ईयर। तो 2018-19 में एजुकेशन से हेल्थ केयर में 50% ज़्यादा था, एजुकेशन से 50% हेल्थ केयर में क्या था, ज़्यादा था। हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं 50% ज़्यादा, तो ये 2 यूनिट होगा, तो ये कितना यूनिट होगा, 3 यूनिट होगा, ठीक। इन सेम ईयर द सम ऑफ बोथ एलोकेटेड फॉर रूरल एरिया इज इन 2018-19 इज 7040 करोड़, रूरल एरिया में दोनों का मिला करके है 7040 करोड़। देन फाइंड टोटल बजट एलोकेटेड फॉर हेल्थ केयर इन 2018-19 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल बजट एलोकेटेड फॉर ऑल सिक्स सेक्टर्स। देखिए चलिए, अभी हम लोग इसको ऐसा करते हैं, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है, ध्यान से देखना अभी। तो हम लोग ऐसा इसको कर सकते हैं 2x एंड 3x, तो 2x का 70% और 3x का 60%। इसी चीज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं, बेस सेम ला सकते हैं, 2x का 70% को ही हम लोग लिख सकते हैं 140% x का, इसको हमने डबल किया, यहाँ पे हमने हाफ किया, और 60 × 180% ऑफ x ऐसा लिख सकते हैं, और ये टोटल हमारा दिया हुआ 7040 करोड़। तो x हमारा कॉमन आ गया, 180 + 360 दोनों मिलके हो गया 320%, 320% ऑफ x बराबर हो जाएगा 7040 करोड़ के, तो x बराबर आ जाएगा 7040 / 320 × 100, ठीक है।
अब आप इसे ऊपर नीचे काट सकते, देखिए 32 दुनी 64, 32 दुनी 64 0, तो हमारा आ गया x बराबर 2200 करोड़। ठीक है, x बराबर क्या आ गया, 2200 करोड़। तो अब सोचिए कि टोटल क्या है, दोनों मिला करके टोटल क्या है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में, 5x, तो 2200 गुना 5x अगर कर देते हैं, या आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, देखिए 2236600 हो जाएगा हेल्थ केयर में और 2244400 हो जाएगा एजुकेशन में। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हेल्थ केयर में जो है वो कितना परसेंट है टोटल जो खर्च कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में, तो जोड़ने के लिए आपको आना चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इससे सॉल्व करते हैं। तो हेल्थ केयर में टोटल क्या आ गया, 6600, और बटे में क्या हो जाएगा, जितना भी नीचे में हमारा दिया हुआ सारे को ऐड करना पड़ेगा। ठीक, अगर हम इस दोनों को ऐड कर देते हैं तो 6600 प्लस 4400 यानी एजुकेशन और हेल्थ वाला दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो 11000 होगा। 6000 प्लस 4000 10000, 600 प्लस 400 1000, तो 11000 हो गया। बाकी सारे को ऐड करते ये 4500 हुआ, लिखना नहीं है एग्ज़ाम में, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा रहा हूँ। ये 4800 हुआ, ये 5200 हुआ, ठीक है, और ये 6000 हुआ टोटल। इसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है, आप इस दोनों को एक साथ ऐड कर दें तो ये दोनों एक साथ ऐड होगा 10000, 11000 मिलके 21000, ये दोनों एक साथ ऐड होगा तो 21000 में 10500 को ऐड कर देंगे तो 31500 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं 6600 बटे 31500 गुना 100। आप या तो इसे सॉल्व कर लें या सॉल्व नहीं करें परसेंटेज निकाल लें डायरेक्ट। कैसे परसेंटेज, तो 31500 का 1% होता है या 10% हो जाता है 3150। तो हम लोग बोल सकते हैं 10% बराबर 3150, डबल करते हैं तो डबल आ जाएगा 6300, और 6300 हो जाएगा 20% के बराबर। अभी भी चाहिए 300, 6300 में 300 ऐड करेंगे तभी तो 6600 होगा ना, तो 300। तो ध्यान से आप देखें कि 315 हो जाता है 1%, यानी हम लोग बोल सकते हैं 1% से थोड़ा सा छोटा, तो 1% से थोड़ा सा छोटा यानी 21% से जो थोड़ा सा छोटा होगा ऑप्शन में उसे ही हम लोग को टिक करना है। चलिए ऑप्शन हमारा हो जाता है, ये हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है, और 32 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमने कहा 21% से जो थोड़ा सा छोटा होगा, और ऑप्शन आप देखिए डी जो ऑप्शन है वो आपका दिया हुआ 20 पूर्णांक 20 बटे 21%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। हमने बहुत ही डिटेल से आपको बताया और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और कुछ भी निकालने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो 6600 बटे 31500 गुना 100 करेंगे, 0 0 कटेगा, फिर काटने के चक्कर में रहेंगे तो लंबा टाइम लगेगा, तो ऐसे ही निकालना आपको बहुत आसानी से निकल जाएगा। 21% से जो थोड़ा सा छोटा होगा वही आंसर होगा 20 पूर्णांक 20 बटे 21%। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, इफ़ 45% इन 2017 एंड 18 एंड 35% इन 2018 एंड 19 ऑफ टोटल बजट एलोकेटेड फॉर रेलवे एलोकेटेड फॉर रूरल एरिया। 2017-18 में रेलवे में 9000 और 2018-19 में 6000, ध्यान से देखना, रेलवे में 2017-18 में रूरल एरिया के लिए 45% और 2018-19 में 35% दिया जा रहा है रेलवे के लिए। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल बजट एलोकेटेड फॉर हेल्थ केयर एंड रेलवे, हेल्थ केयर एंड रेलवे फॉर रूरल एरिया, ये किसके लिए बात कर रहा है, रूरल एरिया के लिए। इसका डिफरेंस क्वेश्चन पूछ रहा है, द टोटल बजट एलोकेटेड फॉर एग्रीकल्चर एंड रेलवे फॉर रूरल एरिया, इसके लिए भी क्या बात कर रहा है, रूरल एरिया का बात कर रहा है। तो इस दोनों का हमसे क्या पूछा जा रहा है, दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है। इस दोनों का क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं। तो हेल्थ केयर का तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 2000, अच्छा किस ईस्वी में था ये, 2017-18 में ही था, 2017-18 में यहां पर हेल्थ केयर और यहां पर रेलवे के लिए, और 2018-19 के बारे में बात कर रहा है ये एग्रीकल्चर एंड रेलवे। ठीक है, तो हेल्थ केयर में 2017-18, हेल्थ केयर में देखिए 2017-18 में एक तो 7200 है
और 7200 का 55% है, ध्यान से देखना है, 7200 का 55% इसे निकालने आना चाहिए। 7200 का 50% 3600, 5% 360, दोनों ऐड करेंगे 3960। 7200 का 50% 3600, 5% 360 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3960। 50% का मतलब आधा होता है। रेलवे में रूरल, तो रेलवे का तो 9000 है, तो 9000 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 45%। 45% निकालते हैं, आप सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं, देखिए 50% माइनस 5% है ये, तो 50% हो जाएगा 4500 और 5% हो जाएगा 450, माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 4050। या आप सीधा क्या करेंगे, 45 गुना 9 भी कर देंगे तो 405 आएगा और यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा क्योंकि परसेंटेज दोनों जीरो का कट जाएगा, ठीक है, तो इसका निकल गया। एग्रीकल्चर में आते हैं 2018-19 में, 2018-19 में एग्रीकल्चर में 5200 का 75%, 5200 का 75% अब कैसे निकालेंगे, 5200 का 3/4 निकालेंगे, 3/4, 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू 3/4 होता है, तो 4 से जैसे ही हम लोग 5200 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1300, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3900, बोलिए आएगा क्या। अब रेलवे का रूरल एरिया में तो 6000 का 35%, 35 गुना 6 करते हैं, पहले 35 गुना 2 करें 70, अब गुना 3 करें 210, तो यहाँ से 6000 का 35% आ गया 2100 करोड़, या 6000 का 10% 600, 30% 3 गुना 1800 और 5% 600 का आधा 300, तो 1800 प्लस 300 दोनों मिलके क्या हो जाएगा 2100। अब इस दोनों का क्या पूछा जा रहा है, हमसे डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, 3960 में से 3900 माइनस किए 60, 4050 में से 2100 माइनस किए, 4050 में से अगर 2000 माइनस करते तो 2050 होता, 100 और माइनस करते हैं तो 1950 होगा और जैसे ही इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2010, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2010 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर अगर आप गौर करेंगे तो 2010 करोड़ पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ ए में। 34 नंबर का क्वेश्चन है, इफ़ बजट एलोकेटेड फॉर एजुकेशन इन 2017-18 इंक्रीज्ड बाय 25% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 16 एंड 17, 2017-18 में जो टोटल बजट है एजुकेशन पर वो पिछले साल से 2016-17 से ये 25% बढ़ा हुआ है, टोटल से ये 25% क्या है, बढ़ा हुआ है, जो बोल रहा है क्वेश्चन अभी उसे सिर्फ लिख रहे हैं। एंड टोटल एजुकेशनल बजट एलोकेटेड फॉर रूरल एरिया इन 2017, तो एजुकेशन में ही रूरल एरिया में इज डिक्रीज्ड बाय 20% टू कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो 2016-17 से 20% क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल एजुकेशनल बजट एलोकेटेड फॉर रूरल एरिया इन 2016-17 टू टोटल एजुकेशनल बजट एलोकेटेड इन 2016-17, तो रूरल एरिया में इसका रेशियो पूछ रहा है टोटल बजट जो एजुकेशन में हो रहा है खर्च 2016-17 में, इस दोनों का रेशियो पूछ रहा है, इस दोनों का नहीं पूछ रहा, इस दोनों का पूछ रहा है, तो पहले ये आएगा और फिर ये बाद में आएगा। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, तो अब आते हैं डेटा का यूज़ करते हैं। 2017-18 में एजुकेशन पे 6400 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 25% बढ़ के आया, 25% बढ़ने का मतलब है 5/4 होना, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होता है, अगर बढ़ के आएगा तो 5/4 हो जाएगा, और अगर पीछे वाला निकालना होगा तो टोटल इसका निकल जाएगा 6400, इसको रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे 4/500, तो पीछे वाला निकल जाएगा, यहाँ जो है उसको 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6400 और 6400 में 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे वाला निकलेगा। इनिशियल से फाइनल निकालना होगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन का, फाइनल से इनिशियल निकालना होगा रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। 20% डिक्रीज का वैल्यू होता है 4/5। अब रूरल एरिया में आप देख लीजिए वो है 60%, तो 6400 का 60% हम लोग निकालते हैं, 50% तो हो जाएगा 3200, 10% 640, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3840, 6400 का 50% 3200,
10% 640 ऐड करेंगे 3840। अब पीछे वाला अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 3840 गुना 5/4 कर देंगे। अब इस दोनों का जब रेशियो निकालने के लिए पूछा है तो रेशियो निकालना जब है तो यहाँ पे सॉल्व मत करो, इस दोनों को इसके बारे में पहले लिखते हैं। 3840 गुना 5/4 रेशियो लिखना है 6400 गुना 4/5। अब इस दोनों को हम लोग को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं 16 से सॉल्व कर लेते हैं, अगर हम लोग इसे 16 चौका 64, 16 दुनी 32, तो ये हमारा बच गया 16 चौका 64, 240 कंप्लीट हो गया। ठीक है, 0 0 भी हमारा कट गया, 5 8 40। ठीक, अब आप चाहेंगे तो इसे भी काट सकते हैं। देखिए 2 दुनी 4 और यहाँ पे 12 कर लीजिए, 4 दुनी 8, 4 दिया 12। ठीक है, बहुत आसानी था। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये 4 इस तरफ जाएगा बराबर के, तो 4 गुना 4 हो जाएगा 16, और ये 5 3 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 15। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15:16। समझ पा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब डीआई का, 35वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। इफ़ टोटल बजट एलोकेटेड फॉर पेंशन एंड एग्रीकल्चर इन 2017-18 इन द रेशियो ऑफ 17:19, पेंशन और एग्रीकल्चर 2017-18 में, पेंशन और एग्रीकल्चर इस दोनों का रेशियो हमें दिया हुआ 17:19। सही है, ये 17 यूनिट अगर होगा तो ये क्या होगा, 19 यूनिट। चलिए हम लोग इसे अलग लिख लेते हैं, 2017-18 में पेंशन में और एग्रीकल्चर में इसका रेशियो दिया हुआ है 17:9, 17:19। एंड सम ऑफ बोथ बजट एलोकेटेड फॉर रूरल एरिया इज 7980 करोड़, दोनों रूरल एरिया के लिए 7980 करोड़। देन फाइंड बजट एलोकेटेड फॉर ऑल सिक्स सेक्टर इन 2017-18, तो रूरल एरिया के लिए तो 7980 दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, ये 17x मान लेते हैं, ये 9x मान लेते हैं, इस 17x का 75% और 9x का 80%, ये दोनों हमें क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा। अब इसका रूरल एरिया के बारे में हमें दिया हुआ, रूरल एरिया के बारे में हमें क्या दिया हुआ है, रूरल एरिया के बारे में दिया हुआ 7980 करोड़। ठीक है, तो टोटल बजट एलोकेटेड ऑल सिक्स, तो पहले तो इस दोनों का अगर निकल जाएगा तो सारे को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो देख लेते निकाल के, तो 75% 17x का और 80% 9x का, तो आप यहाँ पर x x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 17 को आप 75 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलिए 17 को 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 17 गुना 70, 17 सते 119, 1190, और 17 पचे 85, 1190 में 85 को ऐड करते हैं तो आ जाता है 1275 परसेंट ऑफ एक्स लिख सकते हैं इसे, प्लस 80% 9 का, तो हम लोग 720% ऑफ एक्स लिख सकते हैं, वो बराबर दिया हुआ 7980 करोड़ के बराबर। तो 1200 प्लस 700, 1975 प्लस 20 मिल के हमारा क्या हो जाएगा, 95, तो 1995% ऑफ x बराबर 7980। अगर आप गौर से देखेंगे तो 19 चौका 76 95, ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 4 बार में इसे आप काट दे तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज 00 बन जाएगा 400 के। ठीक है, टोटल पेंशन और एग्रीकल्चर में दोनों को ऐड करके भी आप निकाल सकते हैं या अलग अलग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके ही हम लोग निकाल लेते हैं, 17x प्लस 9x, तो 9 7 16 यानी 26x, तो 26x बराबर हमारा हो जाएगा 26 गुना 400, तो ये हो गया हमारा 104 सौ। तो पेंशन और हेल्थ एग्रीकल्चर ये दोनों तो निकल गया, बाकी सारे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर देते हैं। ऐड करने में क्या जाता, थोड़ा सा 8800 प्लस 7200 यहीं पे ऐड करते हैं, तो 15000 और 1000 16000 हो गया। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 16000, 9000 प्लस 6400, तो 9 और 6 15400, ये हो गया हमारा 15400, और इस दोनों के बारे में तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ ही है। तो अगर आप ऐड करेंगे तो ये 10000 प्लस 16000 प्लस 15000, तो 41000 हो गया, 15 प्लस 16 31, 31 प्लस 10 मिलके हो गया 41000, 400 400 800, तो 41800 करोड़ हमारा आंसर हो गया। ये 35वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी हम लोग बोल सकते हैं इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 41800 करोड़। तो 41800 करोड़ किस ऑप्शन में दिया हुआ, सी ऑप्शन में। ठीक है, तो ये था हमारा 31 से लेकर के 35 तक का डीआई, जो अच्छा सेट था जिसमें हम लोग अच्छा कैलकुलेशन हम लोगों ने देखा।
और कैसे कैलकुलेट करना है, जल्दी कैसे करना है, ये सब हमने सीखा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आप देख पा रहे हैं कि कितना हम लोग परेशान रहते हैं क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपको सॉल्यूशन देने में। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पसीना से लथपथ हैं, दिख रहा है पसीना, तो ये पसीना नहीं है, ये मेहनत है। और ये मेहनत अगर आप और भी देखना चाहते हैं, ये मेहनत सफल तब होगा जब आप हमारे परिवार को बड़ा करेंगे। जो आपका ये परिवार है, जो ये चैनल है, ये बड़ा होना चाहिए। और जब बड़ा होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद और भी ज़्यादा होगा और भी आपको अच्छा अच्छा वीडियोज़ मिलेगा लगातार। तो मैंने आपको वादा किया है कि नेक्स्ट 2 मंथ तक हमारा, जब तक आपका पीओ का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक हम लोग इसी तरह से सेट डिस्कशन करते रहेंगे। लगभग 30 सेट तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। 30 सेट में इंग्लिश भी रहेगा और मैथ्स भी रहेगा, दोनों सेट रहेगा। तो हम लोग देखें तो 60 वीडियो कम से कम ये अपलोड होने वाला है। और ये 60 वीडियो अपलोड होने में और 60 वीडियो बनाने में कितना मेहनत है, और वो मेहनत पे पानी तब फिर जाता है जब आप इसे शेयर नहीं करते हैं। कमेंट कम से कम जरूर किया करो, लाइक किया करो, डिसलाइक भी किया करो। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक कर दो, मैं समझूंगा कि क्यों डिसलाइक कर रहे हो। और जो भी डिसलाइक कर रहे हो वो कमेंट में लिख दिया करो कि क्यों डिसलाइक कर रहे हो, कहाँ पे समझ में नहीं आया, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम लग रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस गलती को सुधार करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। समझ पा रहे हैं? टेलीग्राम चैनल सब आदमी सब्सक्राइब जरूर कर लो, कोई भी पैसा नहीं लगता है। उसमें PDF आपका 1 दिन या 2 दिन पहले से ही अपलोड रहेगा। तो आप उसके PDF के हार्ड कॉपी हमेशा अपने पास रखें, और जब भी वीडियो देखने के लिए बैठे तो आपके पास कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए, तब आप वीडियो देखें। आप ये गाना चल नहीं रहा है कि आप ऐसे गाना देख लिए कभी भी बैठ करके तो फिर कहानी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे बातों पे ध्यान दे रहे होंगे। और फिर हम लोग मिलते रहेंगे प्रत्येक दिन 6 बजे।